इस वीडियो में आज हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक न्यू मॉडल दिया था अबाउट एटम के बारे में, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और जो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस जो रिजल्ट थे उसके बेस्ड उन्होंने मॉडल दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जो पॉस्टुलेट फर्स्ट था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ मास ऑफ द एटम एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन नेम एज अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। फर्स्ट पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो मास होगा एटम का और ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, जितना भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड करेगा, लाई करेगा, और उसको उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। जैसे ये मान लिए मैंने, ये आ गया हमारे पास एटम, और एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सारा मास और पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा, और उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। सेकेंड पॉस्टुलेट था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो साइज था न्यूक्लियस का वो काफ़ी स्मॉल था। कितना था उसका रेडियस? 10^-14 to 10^-15 मीटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो एटम का साइज था जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10^-10 मीटर था, उसके कंपेरिजन में जो साइज था न्यूक्लियस का वो काफ़ी स्मॉल था। थर्ड पॉस्टुलेट था, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल known as electron revolve around the nucleus. So most of the space in an atom is empty. The centripetal force required for revolving the electrons around the nucleus is provided by the Coulomb's force of attraction between the nucleus and the electron. और उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और जो मैक्सिमम स्पेस होगा एटम का वो आपके पास एम्प्टी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हम जानते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने में। फोर्थ पॉस्टुलेट, द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स जो हमारे पास एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम में। सो इस तरह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।